गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत से इंस्पायर्ड मेकअप लुक किए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सारे इंस्पायर्ड मेकअप लुक की। एंड आज का इंस्पायर्ड मेकअप लुक होने वाला है साई स्टाइल्स का, जो कि बहुत लोगों को पता भी होगा साई स्टाइल्स कौन है, और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि साई स्टाइल्स एक इंडियन यूट्यूबर है जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं एंड मेरी फेवरेट हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया जाए। इसके पहले मैंने एक दो इंस्पायर्ड मेकअप लुक और किए हैं साई स्टाइल्स के, एंड आज का जो लुक है वो बहुत ही ईजी सा है एंड हर कोई कर सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। सो यार वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को हिट कर दो जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा, माई हैंडल इज स्वाति मिश्रा प्रो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द वीडियो। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ सारे प्रोडक्ट सेम नहीं होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि साई स्टाइल्स ने जो जो प्रोडक्ट यूज़ किया था मैं भी वही यूज़ करने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं उसी प्रोडक्ट का यूज़ करके उनके जैसा लुक करने वाली हूँ। लेकिन फर्स्ट जो प्रोडक्ट था पर्ल एलिमिनेटिंग हाइलाइटर मेकअप बेस जो कि स्विस ब्यूटी का था, वो मेरे पास भी है, तो मैं सबसे पहले वही अप्लाई करने वाली हूँ। यूज़ करने वाली हूँ बेटन माइल्ड का कंसीलर अपने आईज के अराउंड, बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी। आज मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से आप अपने फिंगर्स से ही बहुत अच्छा बेस अपना कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लक्मे का 925 फाउंडेशन जो कि बहुत अच्छी कवरेज देता है, एंड उन्होंने इस तरह से डॉटेड फॉर्म में फाउंडेशन को अप्लाई किया था, तो हम भी उसी तरह से कर लेंगे। चाहे तो आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। लाइट शेड लेकर के उससे हम ब्लेंड करेंगे पिंक या पीची शेड लेकर के, ओके। तो यहाँ पे जो आई मेकअप उन्होंने किया था वो फुल लिपस्टिक पे ही डिपेंडेंट था, यानी कि ज़्यादा आई शेडोज का यूज़ नहीं था, लिपस्टिक से ही उन्होंने आई मेकअप किया था। तो यहाँ पे मैंने भी ये मेबलिन की सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक का यूज़ करके और इस तरह से आई मेकअप किया। इस तरह से बहुत ईजिली आपका आई मेकअप हो जाता है, साथ ही साथ बहुत टाइम तक टिकता भी है लिपस्टिक से अगर आप आई शेडो अप्लाई करते हैं तो बहुत ही। तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे 20 समथिंग का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट एंड आई शेडो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं ब्लश पिक कर रही हूँ पिंक कलर में ही, क्योंकि उनका जो मेकअप था बहुत ही पिंकी पिंकी सा एंड ड्यूई सा मेकअप था, और जो ब्लश भी था उसमें भी थोड़े से हाइलाइटर टाइप्स के लग रहे थे, तो उस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। एंड मैं आपको बता दूं इस पैलेट का जो ये ब्लश है वो बहुत ही कम पिगमेंटेड है, बहुत मतलब पिगमेंटेशन बहुत बेकार है, फिर भी अगर आप बहुत कई बार अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको पिगमेंटेशन मिल जाएगी। एक्चुअली मुझे ये कलर चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रही हूँ।
सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से आप मेकअप कर सकते हैं, वो भी लिपस्टिक की हेल्प से। आपको किसी आई शेडो की भी ज़रूरत नहीं है। सो यार, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लग रहा है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मेरे चैनल पर बहुत से टाइप्स की वीडियोज़ हैं, तो आपको जिस तरह की वीडियो पसंद हो आप उसे चेक कर सकते हैं। सो यार, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।